बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पुलिस के लिए एसोसिएशन के कैबिनेट का भी बिस्मिल्लाह मार्केट न्यू सब्जी मंडी कराची में मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हमारे मरकजी नायब सदर जनाब हबीबुल्लाह साहब, मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब जहूर खान अफरीदी साहब, और मैं हमारे साथ जो है ना हमारे न्यू सब्जी मंडी के सदर जनाब शाहिद सैयद साहब, और हमारे जो साथी हैं वो अपने नाम बताए अब्दुल कायर, फेरोज खान, पीर मोहम्मद मोलीबाई, मोहम्मद शही साहब ने शिरकत की, लादर खान ने भी शिरकत की। हमने इस इजलास में गुज़श्ता रोज कलाब के मुकाम पर जो वारदात हुई है, जिसमें पशीन के ताजर की दी लूटी गई है, उस वारदात के खिलाफ अंजुमन ताजरान पशीन वालों के मशहूर है कि उन्होंने इस पर सख्त स्टैंड लिया, और उन्होंने फौरन डिप्टी कमिश्नर पशीन से राबिता किया। उसके बाद वो कमिश्नर क्वेटा के पास आया, उसके बाद वो डिप्टी कमिश्नर कलाब गए, और डिप्टी कमिश्नर कलाब को भी जो है ना इन वारदातों से उन्होंने आगाह किया है। उसके बाद जो है ना तमाम ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने और ताजर बरादरी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम 31 अक्टूबर को मौका 31 अक्टूबर को हम पूरे पाकिस्तान में पई काम कर रहे हैं, और हम हड़ताल करके अपने कारोबार को एक इजाज़त बंद करेंगे, क्योंकि ये जो वारदातें हो रही है ये वारदातें हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हमारे फोन से बाहर है, इसलिए जो है ना ये हमारे मईशत के खिलाफ है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि रियासत माँ बाप की तरह होती है, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो ताजरों को और ट्रांसपोर्टरों को तहफ़ दें, और इस तरह की वारदातें अगर होती रही तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करते हैं। अभी भी हमारे इस एरिए में जो ट्रांसपोर्टर है उनकी तकरीबन 15 से ज़्यादा गाड़ियां जो है ना तकरीबन कोई 15-20 दिन के अंदर छीनी गई है, फ्रॉड किया गया है हमारे साथ इस तरह की। जब इंतज़ामिया ताउन नहीं करेगी, पुलिस ताउन नहीं करेगी, लेडीज फोर्स ताउन नहीं करेंगी, इदारे ताउन नहीं करेंगे, तो ये जो है ना सिर्फ ट्रांसपोर्टरों और ताजरों की बस नहीं है कि वो इसका कला कमा करें। लिहाजा रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ ताउन करें और इस तरह के लोगों की बेहतरी करें और उनके खिलाफ एक्शन लें। तो हमारे अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के भी हम मशहूर हैं, और फिर हम अपने बुजुर्ग हाजी नूरजान शाहवानी के भी मशहूर हैं जो हमारे बलूचिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के सरपरस्त आला है। उन्होंने जो है ना कल ताजरों से मीटिंग की और ताजरों को पावर कराया कि ट्रांसपोर्ट बरादरी आपके दुख दर्द में बराबर की शरीक है, बल्कि ये हम सब की मुश्तरका मसाइल है, हम इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे और आपके हड़ताल में साथ देंगे। तो इसलिए हमारी भी आज की इजलास में ये तय हुआ कि हम जितने भी हमारे बागात वाले हैं, जितने भी हमारे काश्तकार भाई हैं, जितने भी हमारे ताजर भाई हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गोरखा 31 अक्टूबर को, मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में सिस्टम को बंद समझे। हमारा ये मौक़ है कि हमारे जो है ना इन ट्रांसपोर्टरों को और ताजरों को तहफ़ बरामद किया जाए। अगर इंतज़ामिया हमें जो है ना ये पावर कराती है, हड़ताल हमारी जो है ना कामयाब होती है, तो इंशाल्लाह इससे जो है ना रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी और इस तरह की समाज दुश्मन अनासर की हौसला शिकनी होगी। इस सिलसिले में आज हमने जो पॉलिसी बनाई है, मैं जहूर भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस बारे में जो है ना इजहार ख्याल करें। जैसे कि रुबला भाई ने कहा कि ये जैसे कौमी शाहराओं पे हमारे आया दिन गाड़ियों को लूटा जा रहा है, और इंतज़ामिया ताउन नहीं कर रही है पाकिस्तान,
बिल्कुल भी इंतज़ामिया ताउन नहीं कर रही है, और खुसूसन कलात के इलाके और मंगोचर के इलाके और हमारे लून सिंध में जब से सैलाब आया है रोडों की हालत खस्ता हाल होने की वजह से ये जो मुल्क दुश्मन अनासर है और हमारे ट्रांसपोर्ट बरदरी के लिए जो है ना मुश्किल के सबब बन रहा है। आया दिन हमारे गाड़ियों से माल भी उतारे जा रहे हैं रस्तों में और लूटे भी जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो है ना हमारा इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना हमारे ये मसले हल कराए, और हमारे जो है ना जितने भी गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये पूरे पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं और पूरी पाकिस्तान की मईशत का जो है ना हम अपना हिस्सा मिला रहे हैं। तो जब हम रुक जाएंगे, हमारे ड्राइवर रुक जाएंगे, हमारी माल लूटे जाएंगे, तो हम तो ट्रांसपोर्ट के कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, वरना पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा मिला देंगे। तो हमारे इंतज़ामिया से यही भरपूर ताउन की अपील है कि वो हमारे साथ ताउन करें, और 31 तारीख इंशाल्लाह हम जो है ना एक मुजाहरा करेंगे यहाँ पर, और हम जो है ना जुम्मन बलूचिस्तान ताजरान और ट्रांसपोर्ट बरदरी के साथ मुश्तरिका और शाना बशाना करेंगे। मैं शाहिद से एक साल से गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ के सदर है वो क्रिकेट के बारे में आज हमारी यूनिट की तरफ से आज मीटिंग कॉल की गई थी हंगामी तौर पर। तो अलहमदिल्ला तमाम ट्रांसपोर्ट बरदरी जो कि हमारे तकरीबन कोई काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत की, उन्होंने तो तमाम इशूज़ में हमारी मीटिंग हुई और हमने हर मैटर को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। उसके बाद फाइनली की हमारी ये बात भी हुई कि हमें हर उस पार्टी, हर उस यूनियन और हर उस प्लेटफॉर्म पे उनका साथ देना चाहिए जो कि इस बदअमनी और बद निज़ामी के खिलाफ जो खड़े होंगे हम उनके साथ, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे पख्तूनख्वा हो, कुछ भी, हम किसी के साथ ना नाजायज़ करते हैं ना किसी की नाजायज़ मुतालबा और उनके काम उनके किरदार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों के ऊपर इस दिन थोड़े से मसाइल ज़्यादा आए हुए हैं, ये रोडों के हालात की वजह से कुछ जो रोडों के अंदर जो इस टाइम में नागानी आफत आई उसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, थोड़े से मामला थे उनकी वजह से तमाम जो मामला थे उन सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं। तो आज हमारी तमाम लीडर ने यहाँ बैठ कर एक तो इंदाय अमल दे दिया है, और 31 तारीख को जो बलूचिस्तान ताजी बरदरी और ट्रांसपोर्टर बरदरी जो एहतजाज कर रही है हम भरपूर उनकी हिमायत करते हैं जायज बात की, और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, और हम भी अपना रिकॉर्ड कराची में बिल्कुल रिकॉर्ड कराएंगे बिल्कुल एक अमनी तौर पे। दूसरी बात, उनका इशू हमारा इशू एक है, उनका मसला हमारा मसला एक है, उनका मसला भी ये है हमारे ट्रांसपोर्टर को सेफ्टी और मतलब क्लियर किया जाए, हमारा भी मसला ये है कि हमारी तमाम ट्रांसपोर्टर बिरादरी को ट्रांसपोर्टरों को उनको रोड के मामला दें जो आए दिन गाड़ियाँ छीन के अगवा करके लेके जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ट्रांसपोर्टर मोटर मालिक भी और क्या नाम है ट्रांसपोर्टर यूनियन भी। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, खसूसन सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा बदअमनी फैली जा रही है, जिसके लिए इंशाल्लाह 31 तारीख तक हम एहतजाज करेंगे, उसके बाद 5 तारीख को इंशाल्लाह हमारी दोबारा हमारी जो बॉडी है उसका हंगामी इजलास होगा, उसके बाद हम सिंध का नया लाए अमल तय करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जो भी मामला होंगे हम इंतजामियों को एतमाद में लेकर इंशाल्लाह वो आगे लाए अमल इंशाल्लाह ध्यान देंगे इंशाल्लाह। आज जो यहाँ की मीटिंग हुआ है हमारे यूनियन की मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम ताजरान बलूचिस्तान की, हम ताजरान पश्चिम की, जिसने हड़ताल की ऐलान किया हुआ है 31 अक्टूबर की, हम इसकी जोर जो है ना तहत करते हैं, और मैं बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला से खासकर मुखातिब होना चाहता हूँ ज़िया साहब से कि आपके इलाके में ये हुआ है, आप अपने आप को भी बदनाम करते हैं, अपने वजारत को भी बदनाम करते हैं, चूँकि ये आपकी वज़ीरे दाखिला है बलूचिस्तान की, आपके लिए तो ये मुनासिब नहीं था कि आपके इलाके में लोग चोरी करें, बकाया लोग बकाया जो जगह है सेफ है और आपके यहाँ चोरी होते हैं, आप इस पर फौरन एक्शन लो, मेरा ये मुतालिबा है। और हम कराची में जो है इंशाल्लाह 31 अक्टूबर को भरपूर तरीके से भरपूर इतिजाज करेंगे इंशाल्लाह, का ये एक हड़ताल कामयाब कर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाती है पुलिस से जो है ना छीना छिपी है और
कुछ ग्रुप है जो इनसे सामान वगैरह उतारती है, इससे हमारे ट्रांसपोर्ट बरादरी का परेशान है, तो हम इसको भी ऐड करते हैं। उसके अलावा भी जो हमारे कराची गुड्स कैरियर वाले हैं या बिजनेस तंजीमें हैं, हम उनसे उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस एहतजाज में हमारे साथ शामिल हो जाए। 31 अक्टूबर को हम इस एहतजाज का जो है ना हिमायत कर रहे हैं, और हम 31 को ये एहतजाज करके उसके बाद इंतज़ामिया से निश्चित करेंगे कि वो इंतज़ामिया हमारे को क्या तहफ़ुज़ात दे सकती है। तो इसलिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप आए और हमारे प्रोग्राम को शुक्रिया।